भी इनके पास कोई अल्लाह वाला बंदा इनको कहता तो ये फौरन हमें याद करते हैं, और इनकी वजह से इनके वसीले से यकीन करें हम कई जगहों पे राशन तकसीम करें। और ऐसे राशन जिनके पास लेकर जा रहे ना, मैं क्या कसम खाऊं कि वो झोली उठा के और बूढ़ी माएं औरतें बेचारी दुआएं देती हैं और उनकी दुआएं देते हुए वो रोने लग जाती हैं, मगर हम लोग उनको पहुंचा रहे हैं। और हुकूमत की तरफ से यकीन करो एक किलो आटा जो है वो भी मैसर नहीं है किसी को भी नहीं है, मगर बात सुनते हैं मीडिया पे 8 अरब का तकसीम कर दिया है जी, इतना तकसीम कर दिया, मगर अल्लाह जानता है फीचर कॉलोनी, भैंस कॉलोनी, शाह लतीफ, एक किलो आटे का। आपके पास वहां पर सियासी लोग नहीं है, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट कह रहे हैं हमने वहां पर पहुंचा है, बाकी दीगर सियासी तंजीमें होकर हमने कर राशन पहुंचा चुके हैं। सर सियासी लोग हैं सिर्फ वोट लेने के लिए, वोट जब होता है ना एक एक बंदे को गाड़ी में उठा के ले जाते हैं, एक एक बंदे को गाड़ी में डाल के ले जाते हैं, भाई आपकी मेहरबानी आप हमें वोट दो। हमारे पास यकीन करो मीटिंगें करते हैं, हमारे पास नीचे बैठते हैं वो लोग, और आज हमारा कोई पूछने वाला नहीं है। आज वो तो पहले कहते हैं ना, जब भी कुछ ऐसी लीडर आते हैं वोट मांगने के लिए कह रहे हैं हम आपके नौकर हैं, हाथ जोड़ के कहते हैं, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद वो सीना तान के चल रहे होते हैं, तो क्या आपकी तरफ भी कोई नहीं आया सीना तान के चलते हुए? सीना तान के चलते हुए क्या, हमें तो उनका दीदार भी नहीं हुआ अभी तक, उनका यकीन करो हमने एक नजर भी उनको नहीं देखा है, मगर वोट के दौरान जब तक कंपेन चलती है ना दिन को सोयों को उठाते हैं हमें, भाई क्या हाल है आपके, आप खैरियत से हैं? और यकीन करो आज हमारे घरों में कई ऐसे घर हैं जिनमें फाके हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह उनकी मदद करें, उनकी हेल्प करें, हालांकि हमारा कोई जाति मफाद नहीं है उनके लिए, इनके लिए हमारे दोस्त भाई आए हुए, ये सब वहां से आए हुए फीचर कॉलोनी से। जी आप क्या कहना चाहेंगे, अभी जो लॉकडाउन का सूरतयाल चल रहे हैं और लोग भूख और प्यास से मर रहे हैं, लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर हो गए, लेकिन माशाल्लाह आप लोग नौजवान जो हैं और अपने बट्टी बरादरी में जो राशन तकसीम कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, आगे क्या लाए अमल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले तो सबसे पहले मेरे वालिद मोहतरम जो हैं मोहम्मद अशरफ मदनी, इनके हम जैसे पूरी बिरादरी है इंशाल्लाह इनके साथ खड़े हुए हैं, और जिस हिसाब से